वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं अपने नाश्ते के साथ करता हूँ। आज देख सकते हैं मेरा नाश्ता एग है, टोस्टेड ब्रेड है और ये केक है, ब्लैक चॉकलेट केक कह सकते हैं, और ये मेरा कॉफ़ी। इसके साथ आज दिन की शुरुआत करता हूँ। आज के पूरे दिन में मैं कोशिश करूँगा मेरी डेली रूटीन को दिखाने के लिए। तो दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, थैंक यू वेरी मच। आगे आप बने रहे मेरे ब्लॉग में, देखते रहे कि आज पूरा दिन मैं क्या करने वाला हूँ। थैंक यू। तो फिलहाल मैं एग और टोस्ट के साथ खा रहा हूँ। सो गाइस, मैं आपको बताता हूँ टेस्ट करके कि मेरा नाश्ता कैसा है। एज ऑलवेज, हमेशा की तरह मुझे मेरा फेवरेट नाश्ता बहुत ही पसंद आया, बहुत ही टेस्टी है। तो ये जो फिलहाल मैं नाश्ता आज कर रहा हूँ ना, कम्प्लीटली हेल्दी फूड खा रहा हूँ। ब्राउन ब्रेड, आप जानते हो ब्राउन ब्रेड बहुत ही हेल्दी होता है, एंड एग्स। सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट में लाजिम एग लेना चाहिए, ब्राउन ब्रेड लेना चाहिए। और ये केक है जो कि बहुत हेल्दी नहीं है, बट एज ए टेस्ट खा रहा हूँ। और ऑब्वियसली कॉफ़ी, इसका कॉम्बिनेशन मेरा नाश्ते, मेरे डेली रूटीन की शुरुआत नाश्ते से इस तरह से होता है। आज मैं ऑफ डे पे हूँ, आई मीन छुट्टी है आज दुबई में। तो ये मेरी लाइफ है, आज मैं आपको अपनी लाइफ दिखाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस। तो चलिए गाइस, अभी बिस्तर पर करते हैं बाय बाय, क्योंकि अभी हो गया है रेस्ट का टाइम पूरा। आज मेरी छुट्टी थी जिस वजह से ड्यूटी नहीं गया। तो अभी क्या करने वाले हैं, अभी बनाने वाले हैं लंच। लंच बनाने के बाद फिर लंच करेंगे। फिलहाल लंच क्या बनाने जा रहा हूँ, चलिए किचन में चलते हैं, देखते हैं क्या बनता है, क्या बनाने के लिए चीज़ है, लेट्स। तो ये रहा किचन में, मैंने पहले से कुछ चीज़ें प्रिपेयर कर दिया था। क्या बनाने वाला हूँ, तो बनाने वाला हूँ अंडा करी, अंडा आलू करी। तो ये आलू फ्राई कर चुका था पहले से, इसमें अंडा आप देख सकते हैं, 3 अंडे लिया और ये आलू रहा जिसको मैंने कलर डार्क फ्राई कर लिया है। टमाटर, और ये रहा मसाले, और ये रहा धनिया पत्ती, प्याज, और ये मेथी है, इसके साथ गरम मसाला है, और ये ऑयल मैं इसमें डाल के और छिलता हूँ, करता हूँ शुरू। तो अभी सबसे पहले क्या करते हैं, चूल्हे को करते हैं स्टार्ट, और ये हो गया स्टार्ट। ओ तो दोस्तों, इसमें मेथी को डाल देते हैं ताकि ये हो जाए फ्राई लाइट से आंच पे, और ये आंच लाइट से। और तो अभी टाइम है प्याज को डालने का, तो चलिए इसको प्याज इसमें डालते हैं ताकि इसमें गोल्डन ब्राउन प्याज करके और आगे की चीज़ें इसकी स्टार्ट करें। तो लेट्स प्याज को इसको करते हैं गोल्डन ब्राउन। तो हो गया हमारा प्याज तैयार। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का, ऑलरेडी मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ, तो ये हम इसमें पूरा ही डाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया, उसके बाद इसको हम फिर से वापस थोड़ा देर तक फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो पेस्ट में आ होता है वो चला जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज दोस्तों प्लीज़ आए और देखें कि अभी ये तैयार होने वाला है। थोड़ी देर में हम इसको मसाला डालेंगे। चलिए दोस्तों, अभी इसमें डालते हैं मसाला जो ऑलरेडी मैंने इसमें निकाल रखा था। सारे मसाले डालने के बाद तुरंत बाद हम इसमें पानी डालेंगे ताकि ये जले नहीं मसाला। और ये मैंने पानी डाल दिया ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छे से, और ये अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तैयार हमारा मसाला, इसमें अब डालते हैं टमाटर, और टमाटर को डाल के और थोड़ा भून लेंगे। तो ये टमाटर को डाला और अभी कर लेते हैं मिक्स। फिलहाल ये मसाला हो गया, अभी हम डालते हैं हमारा फ्राई किया हुआ आलू। तो सबसे पहले हम आलू डालते हैं इसमें, ये फ्राई किया था मैंने। आप रेड कलर देख रहे होंगे, इसमें थोड़े से मैंने कलर डाला हुआ था, एडिबल कलर जो होता है, ताकि दिखने में थोड़ा लुक अच्छा है। तो पहले इसको आलू को अच्छे से वो कर लेते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं कि मसाला मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से मिक्स हो जाए, और उसके बाद लास्ट में ये हम डालेंगे इसमें अंडा। और अब जो हमारा लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट काम है, इसमें पानी डालना। तो ये हम डालते हैं इसमें पानी। ठीक है, ये हो गया पानी।
अब इसमें एक और चीज़, आखिरी चीज़ बचा है जो कि है धनिया, हम डालेंगे, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा थोड़ा देर छोड़ देते हैं। चलिए तो इसको फिलहाल हम दम पे लगाते हैं सालन को, और इसके दरमियान हम क्या करने वाले हैं, इसके दरमियान हम राइस बनाने जा रहे हैं ताकि इसको राइस के साथ खाएंगे। तो चलिए राइस की तैयारी करते हैं। ये बर्तन, मैं इसको बर्तन को धो लेता हूँ, ये हो गया ठीक है। इसमें मैं पानी ले लेता हूँ ठीक है। पानी लेने के बाद अभी आगे क्या पाई दिखाता हूँ वाले। अभी हम इसमें तेल डाल रहे हैं, बनाने क्या जा रहे हैं, जीरा राइस बनाने जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी क्या है, ये सात जीरा, काली मिर्च और इलायची, इसको हम डालते हैं ताकि इसको हम फ्राई कर लेंगे। क्या बनाने जा रहे हैं मैं बताता हूँ आपको, हम जो बनाने जा रहे हैं इस वक्त जीरा राइस बनाने जा रहे हैं। तो जीरा राइस बनाने के लिए पहले इसको हम करेंगे फ्राई, उसके बाद ये राइस आप देख सकते हैं, राइस है, राइस को डालेंगे, पहले ये फ्राई हो गया, इसके बाद आगे चीज़ें मैं दिखाता हूँ। लेट्स गो, फिर हम ये राइस डाल और ये राइस डालने के बाद, तो फिलहाल इसमें अभी वाटर डालते हैं, मिक्स करते हैं। इसके बाद अभी हम जो है इसमें नमक डालेंगे, तो नमक ज़्यादा नहीं, सिर्फ हाफ स्पून लेंगे, इतना ही लेंगे, और ये डालते हैं और इसको एक बार करते हैं। ये हो गया कि नहीं तैयार, फिलहाल तो हो गया है तैयार, देखने से ही लग रहा है। चलो अभी इसको करते हैं, चलिए इसमें आधा चम्मच डालते हैं। हे गाइस, लेट्स सी, देखते हैं। तो ये हो गया तैयार ठीक है, तो हो गया तैयार। अब इसको हम करते हैं चूल्हे को बंद, ये हो गया बंद। अभी देखते हैं चावल हुआ कि नहीं, और ये भी हो गया तैयार, तो अभी हम इसे करेंगे टेस्ट। चलिए अब हम इसको तैयार करते हैं, परोसने की तैयारी करते हैं। चलिए तो गाइस, अब देख सकते हैं ये राइस हो जाने, तैयार हो जाने के बाद अभी मैं अपने प्लेट में सर्व कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सालन। ये रहा सालन, और ये सालन मेरे प्लेट में हो रहा है सर्व। चलिए अब इसके बाद टेस्ट करके बताता हूँ कि क्या टेस्ट है इसका, कैसा लग रहा है। हे गाइस, तो अभी देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं लेता हूँ दही भी, और फिर आपको टेस्ट करके बताता हूँ। तो गाइस अभी इसको करते हैं टेस्ट और फिर आपको बताते हैं। देख सकते हैं मेरे प्लेट में इस वक्त है जीरा राइस और आलू अंडा करी, और साथ में थोड़ा दही लिया मैंने। टेस्ट करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। बहुत ही टेस्टी। तो गाइस मैं करता हूँ इसको एंजॉय, बाकी और भी ब्लॉग में चीज़ें मैं दिखाऊंगा। हे गाइस, थैंक यू वेरी मच मेरे ब्लॉग को देखने के लिए। तो यहाँ पे करता हूँ अपने ब्लॉग का एंड, ताकि मैं नए ब्लॉग फिर से ला सकूँ। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर कुछ आपको नया चीज़ देखना तो प्लीज़ कमेंट्स करें, मेरे को तो बहुत टेस्टी लगा, प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई करें बना के अपने घर पे। ये बैचलर्स के लिए बहुत इजी रेसिपी है। वैसे तो मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, बट मैं साथ साथ में कुकिंग के वीडियोज़ डाल देता हूँ, बिकॉज मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। तो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, लाइक माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अगेन, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।